दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाइपस्टर ऐप का रिव्यू। तो दोस्तों आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि बहुत ही अच्छा ऐप है, पॉपुलर ऐप है, यहाँ पे आपको फिल्म सेलेक्ट करके अपने पैसे कमा सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस ऐप के बारे में। मैंने इस ऐप को 2 दिन तक यूज़ किया और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हाइपस्टर ऐप, इसका इंटरफेस जान लेते हैं। तो यहाँ खुलता है हमारा होम पेज। होम पेज 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है सर्च ऑप्शन, यहाँ पे आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को सर्च कर सकते हैं और फिर उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। फिर आता है फॉर यू और नियर बाय। तो फॉर यू और नियर बाय में अपने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक मेरे को कोई भी ढंग का वीडियो नहीं मिला, हो सकता है आप में से किसी को अच्छा वीडियो मिल जाए यहाँ पर। तो चलिए फॉलोइंग पर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने खुद के वीडियोस और साथ ही साथ जिन यूज़र्स को आपने फॉलो किया है आप यहाँ पे उनके भी वीडियोस देख सकते हैं। फिर आता है हमारा प्लस बार। तो जो प्लस का सिंबल है यहाँ पे आप जाके अपने खुद के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी गैलरी से कोई भी अपना पसंदीदा वीडियो अपलोड कर दें, और तो और आप चाहें तो स्टिकर्स या फिल्टर्स को यूज़ करके एक अच्छा वीडियो बना के अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा ये रहेगी आप कुछ ढंग का बनाएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पहले से ही रायता फैला हुआ है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 सिंबल दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आपको जो बाल वाला सिंबल दिख रहा है इसे यूज़ करके आपने फ़िल्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टेडीबियर वाला सिंबल है उसे यूज़ करके आप किसी भी स्टिकर को काम में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डर चला रहा हूँ, हो सकता है धीमे चल रहा हो फ़ोन थोड़ा। तो आइए मैं टेडी बियर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे खुल गए हैं मेरे सारे स्टिकर्स। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे जितने भी स्टिकर्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो किंग का दिख रहा है क्राउन में वो डाउनलोड कर रहा हूँ, और जो लास्ट लाइन का लास्ट सेकंड वाला है मैं उसको डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आइए मैं किंग वाला ट्राई करता हूँ अब। तो यहाँ पे आप स्केल सेट कर लीजिए अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने आपको रखना हो। तो यहाँ पे आप अपने पसंदीदा स्टिकर्स यूज़ करें और एक अच्छा वीडियो, बेहतरीन वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं यहाँ पे अपनी लास्ट बार, सॉरी लास्ट सेकंड बार मैसेज सी। तो यहाँ पे मैसेज आपको आते रहते हैं कि आपने अच्छा वीडियो बनाया, ये बनाया, वो बनाया, फलाना आया। तो यहाँ पे कुछ ऑफ़र ऑफ़र आते रहते हैं, उसके मैसेज आते हैं। फिर यहाँ पर आता है फॉलोइंग बार। तो यहाँ फॉलोइंग में जाके आप देख सकते हैं कि आपने जिन यूज़ को फॉलो किया है या जो यूज़ आपको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आपको कोई मैसेज तो नहीं भेजा है, और यहाँ पे आपको न्यू विशेज़ वगैरह भी आती रहती हैं। तो अब चलते हैं मी पे। तो मी पे आपने पूरी प्रोफाइल लिख सकते हैं, आपने कितनी वीडियोस डाली, आपने क्या लाइक किया। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस लाइक की वैसे तो, और मेरे पास अभी 0 फॉलोइंग है, 0 फॉलोअर्स हैं, और सिर्फ 25 फ्लेम्स है मेरे पास। तो ये जो फ्लेम्स का चक्कर है मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्लेम्स एक अच्छी चीज़ है, इसके ज़रिए आप अपने वीडियोस के, आपने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है इस कम्युनिटी में, या आप कह सकते हो उसका रिवॉर्ड होता है। तो आप इसे रिडीम कर सकते हैं पेपाल को यूज़ करके। तो पेपाल में आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस ऐप का जो है रिडीमशन कर पाएंगे अपने अकाउंट्स का। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ अब इस ऐप का। तो मैं यहाँ पे 2 दिन से इस ऐप में बैठा हूँ, कोई ढंग का मिल जाए, कुछ ढंग का मिल जाए, पर मेरे को अभी तक कुछ भी चीज़ ढंग की नहीं मिली यहाँ पर। यहाँ पर आलतू फालतू कचड़ा सब है यहाँ पर कुछ ढंग की चीज़ अभी तक मेरे को नहीं मिली है। हो सकता है कुछ ढंग की चीज़ हो पर बहुत नीचे मिले मेरे को। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पे ढंग की चीज़ें ही अपलोड करेंगे। और तो और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेफर एंड का, तो यहाँ पे आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कचड़ा। तो इस एप्लीकेशन में आपका आलतू फालतू कचड़ा सब चलेगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ अच्छा डालेंगे ताकि यहाँ पर थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान हो और कुछ ऐप में लोगों को अच्छा देखने मिले।